आज का दिन खास है क्योंकि सीआरपीसी और आईपीसी अब गुजरे जमाने की चीज हो गई है। इनकी जगह बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस जैसे तीन नए कानून आ गए हैं जिन्होंने 150 साल पुराने कानूनों की जगह ले ली है। हत्या करने पर अब धारा 302 नहीं बल्कि धारा 103, तो धोखाधड़ी करने पर धारा 420 नहीं बल्कि 316 धारा लगेगी। नए कानून से कितनी बदलेगी हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था, साथ ही आम जनता के लिए कितने फायदेमंद और कितने उलझाने वाले होंगे ये तीन नए कानून, देखिए विस्तार से हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुनो सुनो सुनो, इस कानून का सभी स्वागत करें। न्यायपालिका के अंदर तीनों बड़े अधिनियम जो अंग्रेजों के काल से पहले आए थे, उन अधिनियमों को बदलने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। आप तीन नए कानून लाए, प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे तो ग्वालियर और दिल्ली में हुए अपराध को नई कानूनी धाराओं के तहत दर्ज किया गया। देश में तीन नए कानून लागू हो चुके हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस ने ले ली है, वहीं आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान लाए गए आईपीसी सीआरपीसी को भूलना होगा और अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को याद रखना होगा। तीन नए कानून के तहत कई धाराएं भी बदली हैं। पहले उन्हें देखें और समझें कि अब हत्या के अपराध पर धारा 302 की जगह धारा 103 लगेगी। हत्या के प्रयास में धारा 307 की जगह धारा 109 लगेगी। गैर इरादतन हत्या के अपराध पर धारा 303 की जगह धारा 105 लगेगी। रेप और गैंग रेप के अपराध में धारा 375, धारा 376 की जगह धारा 63, 64 और 70 लगेगी। छेड़छाड़ के आरोप में धारा 354 की जगह धारा 74 लगेगी। सबसे ज्यादा फायदा मैं नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी, जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थीं, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धाराएं थीं और वहीं अब उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थीं, अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं होंगी। बहुत आसान शब्दों में अगर आपको समझाएं कि इन तीन कानूनों के आ जाने के बाद से पहली बार क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, तो बता दें कि आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह अब अपराध माना जाएगा। मॉब लिंचिंग में आजीवन कारावास या फिर सजाए मौत दी जाएगी। जीरो एफआईआर यानी ईएफआईआर का भी प्रावधान है। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी अब मिलेगी। एफआईआर, चार्जशीट, जजमेंट आदि में डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति अब जब्त होगी। शादीशुदा महिला को फुसलाना अपराध कहलाएगा, वहीं अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आम तौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है
तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये कानून को इतनी जल्दी नोटिफाई करने की क्या जरूरत थी इसका कुछ पता नहीं है। बिना चर्चा के इनको लाना क्यों जरूरत थी इसका पता नहीं है। निश्चित तौर पर धीरे धीरे जब ये कोर्ट पहुंचेंगे तो ये कानून वापस लिए जाएंगे। जिस तरह से ये कानून लिखे गए हैं, जिस तरह से उसमें लचीलापन है, उससे जो पुलिस की डिस्क्रिशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आम आदमी की परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर आएगा और पहली बार सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में भी तेजी आएगी और जल्द निर्णय होंगे। जांच और फैसलों में तेजी के लिए अब ईमेल, मोबाइल मैसेज भी प्रूफ के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। इससे कोर्ट में तारीख पे तारीख वाली स्थिति नहीं बनेगी और केस जल्दी निपटाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि इन कानूनों से जुड़े विधेयक को बीते साल संसद के दोनों सदनों से पास करवाया गया था। कई आलोचकों का कहना है कि इन विधेयकों में कुछ भी खास नया नहीं है क्योंकि पुराने कानूनों के ज्यादातर प्रावधानों को नई संख्या और लेबल के साथ बरकरार रखा गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को बिना किसी व्यापक चर्चा के लागू कर दिया गया। अब विपक्ष मांग कर रहा है कि नए आपराधिक कानूनों की फिर से जाँच की जाए क्योंकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि नए कानून देश को पुलिस राज्य में बदलने की नींव रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इन दिनों हमारे देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा पुराने केस चल रहे हैं जिनको पुराने कानूनों की मदद से ही सुलझाया जाएगा। तो अब नए केस नए कानूनों की धाराओं में दर्ज होंगे। इससे पुलिस और अदालतें नए और पुराने कानूनों में चक्करघिंधी होती रहेंगी। हालांकि नए कानून में समय सीमा में केस के निपटारों पर जोर दिया गया है, मगर पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने से पुलिस उत्पीड़न बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान भी बना हुआ है जिसका पिछले दिनों काफी विरोध हुआ था।